रविवार को पीएम मोदी की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने चीन को लेकर बयान दिया था कि हमारी जमीन में ना कोई घुसा है और ना ही घुसा था। कांग्रेस ने पीएम के इस बयान को आधार बना लिया है और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। इस पर अब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सफाई दी गई है। सफाई में कहा गया है कि पीएम के बयान को तोड़ मरोड़ कर व्याख्या करने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारी तरफ स्ट्रक्चर खड़ा करने की चीनी कोशिशें 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए नाकाम कर दी थी। हमारे जवानों की बहादुरी के चलते हमारी सीमा में चीन की कोई मौजूदगी नहीं है। बयान में कहा गया है कि भारत का कितना क्षेत्र है ये हमारे नक्शे से स्पष्ट है। सरकार इसकी रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि सर्वदलीय बैठक में इस पर भी जानकारी दी गई कि पिछले 60 साल में 43,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर कब्जा किया गया है, जिसकी जानकारी देश को है। हम एलएसी पर एक तरफा परिवर्तन नहीं करने देंगे। एलएसी में बदलाव की किसी भी कोशिश का भारत मजबूती से जवाब देगा। ऐसी चुनौतियों का भारतीय सेना पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूती से सामना करती है। पीएमओ ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में जानकारी भी दी गई कि इस बार चीनी सेना कहीं अधिक ताकत के साथ एलएसी पर आई। ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 15 जून को गलवान में हिंसा हुई थी क्योंकि चीनी सैनिक एलएसी पर संरचना खड़ा कर रहे थे। पीएम के बयान 15 जून को गलवान में हुई घटना पर आधारित थे, जिसमें 20 सैनिकों की जान चली गई थी। उसके बाद पीएमओ की तरफ से कांग्रेस के इस तरह के राजनीतिक रवैये पर भी अफसोस जताया गया। कहा गया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सैनिकों का मनोबल कम करने के लिए अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है। पीएम के बयान पर खड़े किए जा रहे विवाद को प्रोपेगेंडा बताते हुए सरकार ने कहा कि इससे भारतीयों की एकजुटता को कम नहीं किया जा सकता।